रेजिस्टेंस क्या है आपका 10 माइक्रोफार्ड, ठीक है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 वोल्ट डीसी सप्लाई, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो आपको पता है टाइम कांस्टेंट आरसी सीरीज सर्किट में आर टाइम्स ऑफ सी होता है, सी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड आर इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो ठीक है। तो इस केस में आपका जो टाइम कांस्टेंट होगा वो 1 मेगा ओम और कैपेसिटेंस क्या होगा 10 × 10^-6, यही है ना। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10, तो आपका आंसर क्या होगा 10 सेकेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In the given circuit, the switch is closed at time t equal to 0. This is your switch. The time constant for the circuit current to reach steady state value is C. In a series RL circuit, mein kya hota hai? Voltage drop jo hota hai across resistor. It depends upon the resistance value. And the voltage drop across the inductor depends on the rate of change of current through it. Matlab IL is equal to IL into T. IL into R. Matlab IL into LXL. Is pe depend karta. इस IL पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। तो इनिशियली जो t इक्वल टू 0 होता है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है क्रॉस द इंडक्टर वो मैक्सिमम होता है, इंडक्टर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, राइट। एंड जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट होती है वो 0 होती है। एंड टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द करंट रीचेज इट्स इन विच द करंट रीचेज इट्स 63% of its steady state value, ठीक है। For the LR series circuit, time constant L upon R हो जाएगा। तो current reaches steady state, जो current होती है, it reaches steady state in 5 time constants. At steady state, inductance of the coil is reduced to 0, acting more like a short circuit. अब ये हम बात करते हैं, देखिए, हमें क्या पूछा है, इसने time constant पूछा है, तो tau is equal to L upon R हो जाएगा। L कितना दिया, 200 मिली हेनरी, right? 200 मिली हेनरी दी, और R की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू 10^-1 होगी। 200 मिली हेनरी और ये 2 ओम है, तो हाँ, तो ये कुछ 10^-1 सेकंड मैंने लिखा है, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय द इंडक्टर, इसने बोला है टाइम टेकन फॉर द सर्किट टू रीच स्टेडी स्टेट वैल्यू, टाइम टेकन बाय इंडक्टर टू रीच its maximum steady state value is कितना हो जाता है 5 tau, तो ये value कितनी हो जाएगी 5 × 100, ठीक है। Actually यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्या question में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि answer match नहीं कर रहा। इसने बोला है 200 मिली हेनरी, अब या तो ये हेनरी है, या तो ये हेनरी है, तब तो जाके अभी आंसर में जो होगा कितना आएगा, अगर ये हेनरी होगा तो इसकी वैल्यू तब 100 सेकेंड्स होगी, ठीक है, और तब इसकी वैल्यू 5 × 100 यानी कि 500, नहीं, वन मिनट, एक्चुअली क्या गलती हो रही है, सुनिए, ये मिली हेनरी है, इसको आप मिली हेनरी रहने दीजिए, एक्चुअली ये जो मेरा माउस है थोड़ा खराब हो गया है, इसको आप मिली हेनरी ही रहने दीजिए, ओके। तो जब ये आपका ऐसे होगा, ये 200 × 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 200 इंटू यहाँ पे मिली हेनरी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कुछ हो जाएगी 100 हो जाएगी, 100 मिली सेकेंड्स हो जाएगी, तो यहाँ पे ये 100 मिली सेकेंड्स हो गई, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 500 मिली सेकेंड्स, ये 0.5 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 0.5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द टोटल पावर डेवलप्ड इन द सर्किट इज By applying KCL, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए देखिए इस केस में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको मान लिया कि ये V1 है, ठीक है, तो V2 प्लस माइनस और यहाँ पे ये V3 प्लस माइनस, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जब हम KCL लगाएंगे by KCL, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए
ये करंट जा रही है ना, ये वैल्यू हो जाएगी कुछ -8। देखो ना यहाँ पे मैं इसको अगर लिखूँ 8 + 16 + 3i, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3i इज इक्वल टू -24, तो i की वैल्यू -8 एम्पीयर। बाय अप्लाइंग केवीएल, जब हम केवीएल लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 + V1 इज इक्वल टू V2 + 100 इज इक्वल टू V3। हम केवीएल लगा रहे हैं ना इसमें। टू कैलकुलेट द टोटल पावर वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, राइट। तो इस केस में वी हैव टू इक्वेशंस विद थ्री अननोन्स, हमारे पास टू इक्वेशंस हैं विद थ्री अननोन्स हैं, ठीक है, सो इट कैन नॉट बी डिटरमिंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, After dash, the number of time constants, the transient portion reaches more than 99% of its final value. तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? After 5 time constants, the transient portion reaches more than 99% of its final value. देखिए क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था कि after 5 number of time constants, the transient response reaches more than 99% of final value. तो बिल्कुल statement सही है। In one time constant, it reaches to 63.2% of final value while charging, okay, it reaches to 63.2% of final value for charging, or in another time, or dusre in one time constant it reaches to 37.8% of final value while dis चार्जिंग, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए ये आंसर सही है, ओके। तो आई होप आपको ये पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।